सिलेबस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो बच्चे दरभंगा में नहीं है तो वो आप ऑनलाइन इस तरह से पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ बना करके बढ़िया से दे दिया जाएगा, आप लोग पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद जो वीडियो बना के भेज दे रहे हैं आप बार बार वीडियो देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा दो बार तीन बार देखिए, लेकिन देखिएगा सवाल में देखिएगा, जिसको दिक्कत होगा नंबर पता ही है कॉल कीजिएगा, उसको बता देंगे जो डॉट भी होगा, जो भी डॉट होगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि 12वीं का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आधारित है, ठीक है। यदि आप 11वीं का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो 12वीं में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे पढ़ने का, ठीक है। जिनके पास मोबाइल नहीं है तो क्लास ऑन होगा तो हम उसको अलग से टाइम देके पढ़ा देंगे, कोशिश कीजिएगा। यदि मोबाइल है तो किसी का मोबाइल लेके भी पढ़ लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक हमको लगता है कुछ दिन के बाद क्लास ऑफलाइन स्टार्ट ही हो जाएगा, और स्टार्ट ही है जो बच्चा दरभंगा में है उसके लिए है। चलो ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले इसके परिभाषा पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, आप इनको देखो ऑर्गेनिक, अभी थोड़ा दिन कुछ कुछ थोड़ा ही देर का वीडियो बनाएंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, उसको याद करते जाइएगा, फेयर करते जाएगा, धीरे धीरे जो है ना पढ़ाएंगे वीडियो करते। चलिए पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, एक वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री है, इसमें ऑर्गेनिक लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक, मतलब कार्बनिक का नहीं मतलब क्या, कार्बन, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बनिक मतलब कार्बन, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड यौगिक, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, नाम सस्पेक्ट है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक कार्बन, ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन होगा, ठीक है, जिस भी कंपाउंड में कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले इसको जान लीजिए तब परिभाषा में आएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस भी कंपाउंड में कार्बन हो, जैसे CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन लगा हुआ है, तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल, ठीक है। उसके बाद C2H6, इसमें कार्बन लगा हुआ है, देखिए कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिस भी कंपाउंड में कार्बन लगा रहेगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, सारा कंपाउंड भी ऑर्गेनिक नहीं होगा, है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का और परिभाषा होता है, वो मॉडर्न परिभाषा होता है, उसके अनुसार हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये सब हम लोग बेसिक चीज जान लेते हैं, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में कार्बन लगा रहेगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो कार्बन लगा हुआ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल, और जिसमें कार्बन नहीं लगा रहा था उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक में आप लोगों को पढ़ाया गया है। फिर से CH3COOH, कार्बन लगा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिस भी कंपाउंड में कार्बन लगा रहेगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से बोल रहे हैं, जिस भी कंपाउंड में कार्बन लगा हुआ रहेगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का परिभाषा पा जाते हैं। पहले इसका परिभाषा क्यों लगा दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड के गुण के बारे में पढ़ते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है, उनके गुण का अध्ययन किया जाता है ना, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अभी आपको हम बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इस तरह से हम लोग पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दी ब्रांच
शाखा, ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह शाखा, आप लोग लिखते जाओ, है ना, या पीडीएफ भी उतार लो, दोनों फायदा दे रहे हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, जिसमें केमिस्ट्री का वह शाखा जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, वी स्टडी अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है, तो केमिस्ट्री का वह शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस उनका प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अध्ययन करते हैं, वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड को है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, अभी आपको बताया ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस जिस कंपाउंड में कार्बन हो, नहीं तो ऐसा कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास दी कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड, ठीक है, विच हैव, जिसके पास, विच हैज प्रेजेंट, विच हैज प्रेजेंट दी कंपाउंड, विच हैज प्रेजेंट कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन होगा, ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन होगा, ठीक है, द कंपाउंड विच हैज प्रेजेंट कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच हैज कुछ मीनिंग भी लिख देते हैं, जिसके पास, ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन होगा, ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल लिखा देते हैं, फिर से एक बार लिख लो, केमिस्ट्री का वह शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस ऐसा कंपाउंड जिसके पास प्रेजेंट होगा कार्बन, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए आराम से, ठीक है, नहीं तो पीडीएफ दे ही देंगे आपको, ठीक है, निकाल लेते हैं। चलिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं जो आपको बार बार यूज हो, ठीक है, कंपाउंड जो आपको यूज होगा, उसके बाद आएगा ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ कंपाउंड के बारे में लोग लिखते हैं, देखिए जैसे पहला कंपाउंड CH4 मीथेन, इस सबका नाम लिखने के लिए हम लोग सीखेंगे, ठीक, जो यूज होगा उसको HCOOH ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन लगा हुआ, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद CH3COOH ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद HCHO ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और CH3CHO ये आपका है एसिटाल्डिहाइड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ लिख दे रहे हैं हम लोग, C6H6 बेंजीन, ठीक है, लिख लीजिएगा बार बार यूज होगा। आगे और ग्लूकोज C6H2O6 ये आपका ग्लूकोज C6H12H22O11 ये शुगर है, तो बस इतना ही, बहुत सारा कंपाउंड हम लोग पढ़ भी करेंगे,
तो वहां जानेंगे। एसिटिलीन इथिलीन बहुत सारा होता है, एक और लिख लीजिए C2H4, इसका नाम है इथिलीन। एक होता है C2H2 एसिटिलीन। ये सब याद रखना होता है, सबका हाइब्रिड नाम भी होता है और कॉमन नाम होता है, सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब का हाइब्रिड नेम चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा दें। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन हो, तो यहां तक समझ में आ गया। अब जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का उत्पत्ति कैसे हुआ, ओरिजिन। पहला मीथेन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजीन, ग्लूकोज, शुगर, इथाइल इथिलीन, एसिटिलीन, इतना सारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का उत्पत्ति कहां से, आज थोड़ा ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और सब आदमी कॉपी कलम लेके रखिए, और जो भी है आप पढ़ते पढ़ते उतारिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ में भी आएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी बना के आपको भेज दिया जाएगा, जैसे जो आप समझ गए। ये फर्स्ट लेक्चर है, चलिए ओरिजिन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन, उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है। ओरिजिन पे आता है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ऑर्गेनिक कंपाउंड का उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है। उत्पत्ति ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति। तो इसके संदर्भ में एक फोर्स का, फोर्स की बारी बात आता है, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी ये आपको बायोलॉजी में भी पढ़ाएगा, ठीक है, बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाएगा। आप यहां देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी होता है क्या, आज इसका हम पूरा लेक्चर दे देते हैं, समझा देते हैं, कल इनको लिखा है, ठीक है। आज पढ़ाई पहले बोलेंगे तो पढ़ाई देर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इनको पढ़ाने के बाद आपको पता चल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे लिखाया गया, वो भी पता चल जाएगा, किसको फादर कहते हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज पता चल जाएगा, तब हम लोग एक दिन और मैं इसका मतलब जो है इस थ्योरी पढ़ाने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक और दूसरे तरीके से परिभाषित करेंगे, मॉडल परिभाषा हाइड्रोकार्बन के द्वारा, ठीक है ना। तब उसके टाइप, तब फिर हम लोग जो है धीरे धीरे अंदर की ओर घुसते जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए वाइटल फोर्स थ्योरी हम लोग इसके बारे में जानते हैं क्या है। ये जो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या अभी जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसके पीछे इतिहास क्या है, इसके पीछे इतिहास है आप समझ लीजिए। पहले, ठीक है, 1809, ठीक है, 1809 ईस्वी से पहले, ठीक है, एक कहावत था। कहावत क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता, समझते जाइए। 1809 ईस्वी से पहले कहावत था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला, लैब, समझते जाइए, लैब, प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या कहावत था कि प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, इससे पहले 1809 ईस्वी से पहले, ठीक है। तो डेट पे मत जाइए, कहीं 11 कहीं 12 सब लिखा हुआ रहता है, तो आप उसमें मत जाइए। 1809 ईस्वी से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कहावत था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, ये केवल प्रकृति से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लाल चिट्ठी होता है, लाल चिट्ठी, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से सिट्रिक एसिड, ये सब जो है पहले मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज पाया जाता है पक्का पपीता सब में, फल और सब में पाया जाता है, ठीक है ना, शुगर है ना, चावल सब में पाया जाता है। तो मानना था पहले, क्या मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है केवल प्रकृति से ही है ना, प्रकृति का ही देन, ठीक है, उसको कृत्रिम तरीका से प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। 1809 ईस्वी से पहले कहावत, ठीक है। अब आ जाए इस समय 1809 ईस्वी की बात बताते हैं। इस समय एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बर्जेलियस, समझते जाइए। ये बर्जेलियस से जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को भविष्य में प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है, ठीक है,
तो इसने जवाब दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझिएगा उस समय का महान वैज्ञानिक थे बर्जिलियस, उस टाइम का, ठीक है, उस टाइम का महान वैज्ञानिक थे बर्जिलियस। ठीक है, उस टाइम का महान वैज्ञानिक थे बर्जिलियस। ठीक है, जब इनसे पूछा गया कि आप इसके बारे में बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भविष्य में कभी प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है, तो इसने भी यही बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। जब इससे पूछा गया कि रीजन क्या है, तो इसने बताया जितना भी सजीव चीज है, नेटिव चीज के बारे में बोल रहे हैं, सजीव चीज लिविंग ऑर्गेनिक, जितने भी सभी सजीव चीज है लिविंग ऑर्गेनिक, ठीक है, जितने भी सजीव चीज है लिविंग ऑर्गेनिक, इसमें एक प्रकार का फोर्स प्रेजेंट होता है। वो कौन सा फोर्स है? वो होता है वाइटल फोर्स। जितने भी सजीव चीज है, निर्जीव चीज के बारे में बोल रहे हैं, जितने भी सजीव चीज है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल सजीव चीज से ही प्राप्त किया जाता है, सजीव सजीव पदार्थ पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, तो उसी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उसने बताया जितने भी सजीव चीज है उसमें वाइटल फोर्स उपस्थित रहता है, वाइटल फोर्स विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये वाइटल फोर्स को आदमी नहीं बना सकता है, ठीक है, समझिएगा, वाइटल फोर्स को आदमी प्रयोगशाला में क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं बना सकता है। यही कारण है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो उस टाइम का ये महान वैज्ञानिक थे, तो इनकी बातों को सबने मान लिया, ठीक है, क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं कुछ तरह जो है, तो इसकी बातों को मान लिया गया और इनका जो थ्योरी है वो थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, और बहुत दिन तक चला ये थ्योरी, है ना, अप्रोक्स समझिए 14-15 साल तक चला। तो उसके बाद 1823 ठीक है ना, बन रहा है 1823 ईस्वी के जो है, 1823 ईस्वी में कहा जाता है इन्हीं का शिष्य, ठीक है, स्टूडेंट वोहलर क्या कर रहे थे प्रयोगशाला में, इनको एक काम दिया गया था। काम क्या दिया गया था कि प्रयोगशाला में इनको काम दिया गया था अमोनियम साइनेट को गर्म करने के लिए। तो वोहलर क्या कर रहे थे प्रयोगशाला में, लैब में अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहा, समझिएगा, वोहलर प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहा है। ठीक है, तो अमोनियम साइनाइड NH4CNO इसका फॉर्मूला होता है। तो इसने देखा क्या देखा समझिएगा, इसने देखा कि जैसे ही अमोनियम साइनाइड गर्म हुआ इसने देखा कि ऑर्गेनिक जैसे ही अमोनियम साइनाइड गर्म हुआ तो यूरिया नामक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। यूरिया नामक ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो जैसे ही यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो दूसरों को पता चला और बताया इसने कि हम और यूरिया को बना लिए प्रयोगशाला में। ठीक है, सबसे पहले तो अपने गुरु जी को बताया कि हम यूरिया को बना रहे हैं। ठीक है, तो यूरिया कहां तैयार किया गया, प्रयोगशाला में। और बर्जिलियस का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यूरिया में तो प्रयोगशाला में तो यूरिया बन गया, तो इनका जो कहना था बर्जिलियस का प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, वो चीज गलत हो गई। ठीक है, और उसी दिन से वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया। जब यूरिया नामक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में बनाया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है, प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ये तो प्रयोगशाला में बनाया वो गलत। ठीक है, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना, तो उसके बाद लैब में ढेरों सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनाने का प्रयास किया गया और बनाया मीथेन इथेन प्रोपेन, है ना, अभी जो है लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, जिनको एक अलग पाठ में पढ़ते हैं केमिस्ट्री का अलग पाठ, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और यहीं से फादर जो है बर्जिलियस को नहीं कहा जाता है, फादर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, वोहलर को, याद रखना। कोई पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता किसको कहते हैं, वोहलर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता किसको कहा जाता है, वोहलर, समझ गए।
तो ये सारी कहानी, तो ये सब हम जो है अगले क्लास में आप लोग को लिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वैटन फोर्स थ्योरी सबको समझ में आ गया। 1899 से पहले कहा हुआ था कि प्रयोगशाला में इन कंपाउंड को तैयार नहीं किया जा सकता, केवल ये प्रकृति का देन, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त हो सकता है सभी चीज। उसके बाद 1809 में बर्जिलियस आए। जब बर्जिलियस से पूछा गया तो उसने भी यही बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं तैयार किया जा सकता। जब इससे पूछा गया ऐसा क्यों, उसने बताया इतना भी सजीव चीज है, ठीक है, सजीव चीज है, उसमें वाइटल फोर्स रहता है, जैव शक्ति है ना, जिनको इस वाइटल फोर्स को आदमी नहीं बना सकता है प्रयोगशाला में, ठीक है, इसी कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं तैयार किया जा सकता, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए 1826 ईस्वी में वो अलग, ठीक है, इन्हीं का स्टूडेंट थे। तो इसने क्या कर रहा है, इसको क्या काम दिया गया था, अमोनियम साइनाइड को प्रयोगशाला में गर्म कर रहे। इसने क्या देखा कि अमोनियम साइनाइड जैसे ही गर्म हुआ यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ठीक है, और ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यूरिया कहाँ तैयार किया गया, प्रयोगशाला में। बर्जिलियस ने बोले थे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता, तो इनका कहना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में कौन तैयार किया गया, यूरिया। उसके बाद मीथेन है ना, ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया गया, जिसको हम लोग केमिस्ट्री का एक अलग भाग पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फादर यदि पूछा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो फिर से रिपीट कर दे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन होगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। देखिए यहाँ भी कार्बन है, ये ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। CO2 कार्बन है फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसको पढ़ेंगे क्यों नहीं होता है, आगे पढ़ेंगे अगला क्लास, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का उत्पत्ति के बारे में, पहले कौन सा लॉ है, कौन सा थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी, कौन दिया था, बर्जिलियस, ठीक है। क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया था। जब इससे रीजन पूछा गया क्या बताया कि उसमें वाइटल फोर्स रहता है लिविंग ऑर्गेनिक में, ठीक है। इस थ्योरी को खत्म कौन किया, गलत कौन किया, वोहलर है ना, वोहलर कैसे गलत किया, उसने अमोनियम साइनाइड से यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया प्रयोगशाला में, इस तरह से इसका जो है वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक आप लोग का हो गया, और सेकेंड लेक्चर आपको जब देंगे तो इसका पूरा लिख देंगे बढ़िया, ठीक है, आपको नोट करते जाइएगा, या होगा तो हम लिख कर आप भेज देंगे आपको, ठीक है, थोड़ा सा ही तो लिखा है, ठीक है ना, इतना उतार लीजिएगा, ठीक ठीक।